नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर अब पीएम मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक हुई और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई। पीएम मोदी कोविड समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों से राज्यों के हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए और घातक वायरस के फैलने को रोकने के लिए कदमों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राज्यों में लगाए गए प्रतिबंधों पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ उन उपायों पर भी चिंतन मंथन हुआ जिनके जरिए कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी वो अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पहले जो वेरिएंट थे उनकी अपेक्षा में कई गुना अधिक तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट सामान्य जन को संक्रमित कर रहा है। अमेरिका जैसे देश में एक दिन में 14 लाख तक नए केसेस सामने आए हैं। भारत में हमारे वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स हर स्थिति और आंकड़ों का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन पैनिक की स्थिति ना आए इसका भी हमें ध्यान रखना ही होगा। हमें ये देखना होगा कि त्योहारों के इस मौसम में लोगों की और प्रशासन की अलर्टनेस कहीं से भी कम न पड़े। कोरोना को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी जुड़े। इस बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र से भी भेजी गई राशि का सही उपयोग करने पर हरियाणा की तारीफ की। अब आपको बताते हैं कि 15 से 18 उम्र के वैक्सीनेशन में हरियाणा राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। तो बता दें कि कोरोना पर समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में हरियाणा की तारीफ की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हरियाणा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट को लेकर भी हरियाणा ने उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ कोरोना से निपटने में उनके तैयारियां भी बहुत ही अच्छी देखी गई हैं। तो इस समीक्षा बैठक में हरियाणा की हर लेवल पर कोरोना से निपटने में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तारीफ की, जो कि काफ़ी ही सराहनीय रही। देश में कोरोना की तीसरी लहर कैसे कहर बरपा रही है इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कोरोना केस अब एक दिन में 2 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से कैसे तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो तीसरी लहर आ चुकी है, कहर लगातार जारी है। 7 जनवरी की हम बात करें तो 1,41,986 मामले थे, जो कि 8 जनवरी को 1,59,424 हो गए, 9 जनवरी को 1,78,938, तो 10 जनवरी को 1,79,723, तो 11 जनवरी को 1,68,063, तो 12 जनवरी को 1,94,720 और 13 जनवरी को 2,47,417 हो गए। कोरोना की तीसरी लहर के बीच हरियाणा का हाल क्या है? पिछले एक हफ्ते में रोजाना कितने केस आ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए।
तो 7 जनवरी को हरियाणा के अंदर 2678 मामले थे, 8 जनवरी को ये मामले 3748 हुए, 9 जनवरी को 3541, 10 जनवरी को 5166, तो 11 जनवरी को 5736 और 12 जनवरी को 5746 और 13 जनवरी को आंकड़ा 6883 पर पहुंच गया। रोहतक PGIMS अब कोरोना के हॉटस्पॉट सेंटर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है, जहां आए दिन हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर से 46 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव आए हैं, 46 पॉजिटिव में से 18 डॉक्टर ही हैं। आज सुबह की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 5 और डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर की अगर बात करें तो 230 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की अब तक 86 डॉक्टर की संख्या हो चुकी है, 103 MBBS इंटर्न BDS स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो वहीं पंचकूला में कोरोना के 25 डॉक्टर पॉजिटिव हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर कैथल की बात करें तो सिविल अस्पताल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अस्पताल के 3 लैब टेक्नीशियन के साथ 21 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोहतक, पंचकुला और कैथल, जहां इसी तरीके का हाल बेहाल है, जहां अस्पतालों में जो तमाम कर्मचारी हैं, जो तमाम डॉक्टर हैं, वो कोरोना से संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक हमारे जो हेल्थ वर्कर पॉजिटिव आए हैं वो उनकी संख्या 230 है, जिसमें से करीबन 86 डॉक्टर्स हैं, 102 हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स जो MBBS BDS और पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स हैं, साथ में जिसमें इंटर्न भी हैं, बाकी हेल्थ वर्कर जिसमें स्टाफ मिनिस्टर स्टाफ वो पॉजिटिव आए हैं। सर ये कब तक आंकड़ा और जैसे कल कितने थे आज कितने टोटल हिसाब से किस हिसाब से आ रहे हैं? ये कल हमारे पास 46 जो हेल्थ वर्कर हैं वो पॉजिटिव आए थे। अभी तक जब से ये आया है हमारे, जब से पॉजिटिव आने लगे हैं, तब इसका टोटल आंकड़ा है हमारा ये। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम के अंदर 24 घंटे में 2704 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वो बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। दिल्ली NCR में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और उसी के साथ साथ गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 2704 नए कोरोना के मामले आए हैं और ये इसका एक बड़ा कारण ही है कि जो लोग हैं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के अभी भी जो मार्केट में है वो घूमते नजर आ रहे हैं। उसका एक ये बड़ा कारण है कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली NCR के साथ साथ जो गुरुग्राम में है कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती भी बढ़ती जा रही है, बिना मास्क वाले लोगों का चालान भी काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी और उसके साथ साथ इस बढ़ते हुए कोरोना के जो मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी जो मार्केट में हैं लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो ये उनकी जो लापरवाही है ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। करनाल में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, 24 घंटे में 282 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं और उसके बाद से जिले के अंदर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1700 से भी ऊपर आ चुकी है। बढ़ते संक्रमण के बीच लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। शहर के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने में नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। करनाल जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज जो है कोरोना संक्रमण के करीब 282 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन जिस तरह के हालात शहर के बाजारों के हैं उसको देखकर यही लगता है कि जो लोग हैं वो कोरोना नियमों के पालन के प्रति गंभीर नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ ये मेन बाजार है और किस तरह से जो दुकानदार हैं या लोग जो चल रहे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे। आपने मास्क नहीं लगाया जी? तो बिल्कुल, देखिए मास्क का जो है वो पालन नहीं किया जा रहा है। इधर भी देखिए मास्क जो है बहुत कम लोगों ने लगा रखा है, हालांकि सरकार द्वारा हिदायत है। जी सर, मास्क नहीं लगाया आपने, क्या बात आपको? मेरे जानकारी तो है बाबू, जरा मार्केट में आ रहे थे इसलिए मास्क लगा रखा है। तो जरूरी हो जाता है सर। कोई नहीं, थैंक यू सर। तो बिल्कुल देखिए, चाहे आम लोग हो या दुकानदार, बिना मास्क के बैठे हैं। आपने मास्क नहीं लगाया जी? जरूरत नहीं है सर। आपने मास्क क्यों लगाया? बस वैसे ही नहीं लगाया जी। वैसे वजह बस सांस की थोड़ी दिक्कत। सरकार ने जो हिदायतें दी हैं नहीं मानेंगे? नहीं मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। समय समय पे मानते भी हैं। हाँ, तो अभी क्यों नहीं मान रहे? नहीं, अब कोई भीड़ में तो नहीं बैठे ना हम। हाँ, नहीं आपके सामने बैठे हैं। आपने भी लगाया सर मास्क? बता भाई, कोई यहाँ
ये रहा सर, अभी उतारा है, चाय पी रही, चाय पीने से पहले अपना उतारा है, ये पड़ा है। पास कई तरह के तर्क होते हैं, ये देखिए एक और लोग हैं। सर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, बाजार में घूम रहे हैं आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं है आपके पास, क्या जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी तो है। तो फिर क्यों नहीं लगा के, आपको डर नहीं है कि कोरोना फैल जाएगा या आप भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, लोगों को जानकारी जरूर है कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन उसको अब वो पालन नहीं कर रहे, छोटे बच्चे भी हैं वो भी नहीं लगा रहे, लोग जो हैं लापरवाह हैं कहीं ना कहीं, देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। तो बिल्कुल देखिए, लोग जागरूक भी हैं, कुछ लोगों ने लगाए भी हैं, हालांकि जिस तरह की भीड़ भाड़ की स्थिति बाजार के अंदर बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि लगातार करनाल जिले में संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी 282 नए जो केस सामने आए हैं और कोरोना की रफ्तार जो है वो 10% से भी अधिक हो चुकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर हो सकता है। ये सर खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे क्या आपको डर नहीं लगता सर? कोरोना हमें नहीं लगता, कोरोना नहीं लगता, तो सरकार के निर्देश कोरोना है ही नहीं, डर है नहीं। पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सुबह तहसील कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया और प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाले कार्यालय में भी जांच की गई। बबली ने प्रॉपर्टी आईडी लगाने वाले कर्मचारियों को कहा कि आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, गलत फहमी बाजी बंद करें और ऐसा अब नहीं चलेगा। इस दौरान विधायक ने नगर परिषद सचिव से गैर हाजिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही और उसके बाद से बबली ने तहसील कार्यालय में पहुंचकर एसडीएम रीडर से भी बातचीत की। एसडीएम समय पर आते हैं या फिर नहीं आते हैं इसकी जानकारी ली। इस दौरान जब बबली कृषि विभाग कार्यालय में पहुंचे तो वहां भी कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर मिले, जिसके बाद से बबली का पारा चढ़ गया और बबली ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गैर हाजिर लोगों को नोटिस देने की बात कही। जो कर्मचारी अधिकारी थे 11 दिन पाए गए, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत, और पब्लिक की भी यही सोच है कि जब आप सरकारी नौकरी पे हैं, सरकारी ड्यूटी पे हैं, जनता की सेवा के लिए हैं, अपने आगे ड्यूटी कीजिए और आम जन को जो आपकी ड्यूटी है उसका लाभ मिले। और जो ये परिस्थितियाँ आज पैदा हुई हैं, जो एक विश्वास विभागों में अधिकारियों के कर्मचारियों के प्रति जनता को बैठी है, उसको वापस प्राप्त करने की जरूरत है। आगे से अगर ऐसी गलतियाँ पाई गई तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी ओर से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी तो नोटिस जारी कराए हैं, कारण पूछा इनसे, भाई आप क्यों कह रहे जितने आप ड्यूटी पर क्यों नहीं 9 बजे आके बैठे अपनी सीट पर, आपने काम क्यों नहीं शुरू किया, आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पीएम की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह से दोषी है। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने काफिले को रोकने की कड़े शब्दों में निंदा की है। उसकी जांच चल रही है और ये बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री का रास्ता इस प्रकार से रोका गया या रुका, तो ये बहुत ही बहुत निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और इसकी मांग भी करते हैं कि ये बहुत दंडनीय अपराध है, इसकी जांच होके और जो दोषी हो उसको दंड मिलना चाहिए। देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनएसजी के नाम पर धोखाधड़ी का 100 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आधा दर्जन नामी कंपनीज ने लिखित शिकायत देकर गुहार लगाई है कि प्रवीण यादव नाम के शख्स ने खुद को डिप्टी कमांडेंट बताकर एनएसजी कैंपस में पेरिफेरल रोड बनाने और एसटीपी बनाने और हाउसिंग फ्लैट्स बनाने को लेकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए और किसी को शक न हो इसलिए आरोपी ने एनएसजी के कैंपस की ब्रांच में भी खाता खुलवा लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रवीण यादव की जो बहन है रितु यादव, जो कि एनएसजी कैंपस स्थित एक्सिस बैंक के मैनेजर के पद पर तैनात है, प्रवीण ने अपनी बहन की मदद से अकाउंट खुलवाया और करोड़ों की धोखाधड़ी की ठगी को अंजाम दिया। इसका जीजा नवीन भी एनएसजी में ही कार्यरत है। गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एसआईटी का गठन भी इस मामले में किया गया है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अलग अलग पीड़ित कंपनीज की शिकायत पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
हरियाणा हिमाचल सीमा पर सरस्वती नदी पर एक बांध बनाया जाएगा और इसके बाद हरियाणा के अलग अलग जिलों में जहां सरस्वती नदी को धरा पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, यहां आपको बता दें कि सरस्वती नदी में बारिशों के दिनों में आने वाले पानी से होने वाली तबाही से भी इसको बचाया जा सकेगा और सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 21 जनवरी को यमुनानगर के आदि बद्री क्षेत्र में बांध बनाने के लिए MOU साइन करेंगे। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बांध के बनने से सरस्वती नदी की पौराणिक धारा एक बार फिर से बहेगी। उन्होंने बताया कि 700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट दोनों ही राज्यों की सीमा में बन रहा है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा हिमाचल का है और बांध का निर्माण हरियाणा के द्वारा होगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो 21 तारीख को आदि बद्री में उनके आने का प्रोग्राम है, जिसमें उस दिन अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और हिमाचल के मुख्यमंत्री जी उन दोनों के बीच MOU साइन होना है एक डैम बनने के लिए, जिससे जो है ये सरस्वती नदी जो अपने पौराणिक जो है रूप में जो फिर से बहेगी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए 21 तारीख को MOU दोनों प्रदेशों के बीच साइन होने का भी प्रोग्राम बन रहा है। देखिए इसमें जो है डैम की जो बात है, वो डैम जो करीबन बताया जा रहा है 700 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है, और उसमें जो डैम क्योंकि दोनों प्रदेशों के बीच के बाउंड्री पर बन रहा है और जो जो एरियाज में डैम के अंदर आएगा वो ज़्यादातर हिमाचल का एरिया पड़ता है, तो वो जो कार्रवाई है वो हमारा जो इरिगेशन विभाग है उस कार्रवाई को पूरा कर रहा है। और MOU साइन होने के बाद जी प्रोजेक्ट इसमें चालू होगा और जो इसमें आगे तैयारियां होनी है वो आगे समय पे जो है उसको। प्रदेश में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रदेश के 3 जिलों से चोरी की अलग अलग तस्वीरें आई हैं। सोनीपत में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है। देर रात गांव गढ़मीरपुर में पिस्टल के बल पर करीब 50,000 और 2 मोबाइल फोन की लूट की गई और वहां से चोर फरार हो गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। गुरुग्राम में भी पटौती वार्ड नंबर 5 में 8 जनवरी देर रात को बारिश के शोर का फायदा उठाते हुए 3 चोरों ने मकान में घुसकर चोरी के गहने चुराए और लाखों का सामान चुराया, वहां से फरार हो गए। हिसार के भी गाँव काबरेल में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों ने पिस्टल के बल पर करीब 16,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। तो 3 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत, गुरुग्राम और हिसार, जहां लगातार जो चोरों के हौसले हैं वो बुलंद देखे जा रहे हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं है। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।